हाय फ्रेंड्स दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो हमारा पर्पस है वो आपको वो इंस्ट्रक्शंस बताना है कि आप घर जाके इनको फॉलो करें ताकि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। सबसे पहले आता है कि खुराक यानी डाइट के रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। उसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट में सैलेड यानी कि फाइबर को ऐड करना है। दोपहर और रात का खाना कभी भी बिना सैलेड के नहीं खाना। नंबर दो, आपको अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करने, आपको डेली बेसिस पे जो भी मौसम का फल है उसको खाना है। नंबर थ्री, कि बाज़ार का खाना जो है जैसे पिज़्ज़ा हो गया, फ्राइड फूड हो गया, स्ट्रीट फूड हो गया, इसको आप बंद कर लो 6 हफ्ते के लिए। घर की दाल सब्जी सब कुछ खाओ। लोगों को ना एक वहम होता है कि हमने मिर्च वाला खाना नहीं खाना, इस बात को बिल्कुल मत सोचिए। जो भी आपके घर में दाल सब्जी बनती है उसको रूटीन में खाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पॉइंट, टॉयलेट ट्रेनिंग। अच्छा, हमको टॉयलेट जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें सबसे पहली आती है कि आपको जब भी टॉयलेट जाना है तभी जाना जब आपको पूरा प्रेशर है। जब तक आपको पूरा प्रेशर नहीं है टॉयलेट कभी मत जाना, क्योंकि नहीं तो अगर आप बिना प्रेशर के टॉयलेट जाओगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो हमेशा टॉयलेट तब जाना है जब पूरा प्रेशर है। उसमें दूसरी बात आती है कि टॉयलेट में आमतौर पर मैक्सिमम लोग, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, मैगजीन, न्यूज़पेपर या फ़ोन यूज़ करते हैं। इन तीनों को बिल्कुल यूज़ ना करें। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक आदमी को नॉर्मल रूटीन में टॉयलेट में 5 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगने चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके टॉयलेट में 5 मिनट से ज़्यादा कभी ना लगे। थर्ड चीज़ आती है हाइजीन। आपको ना एनल एरिया का हाइजीन मेंटेन करना है। नॉर्मली लोग इसमें ना एक कन्फ्यूजन हो जाता है, वो ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ़ करने लगते हैं, उससे उसकी स्किन का मॉइस्चर लॉस हो जाता है और ड्राई स्किन में फिर क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपको हाइजीन मेंटेन करने का क्या तरीका है कि हम लोग इंडियंस हैं, मैक्सिमम हम लोग पानी से वॉश करते हैं। आप पानी से वॉश करिए, उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करो एरिया को, फिर कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अच्छे से ड्राई करो। हमेशा इसमें एक अच्छी बात रहेगी, अगर आप टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर यूज़ करना शुरू करो कि जब भी टॉयलेट गए पहले पानी से वॉश किया फिर टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से अच्छे से सुखा लिया। लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसके दौरान आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉक। सुबह और शाम मिला के आपको 3-3 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए। आइडियली 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप वॉक करते हो तो बेस्ट है। उससे आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेस्ट अच्छे से होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़ होती है एक ना एक्सरसाइज होती है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इसको आप ध्यान से समझ लो, सीधे बैठना है, पेट को पूरा अंदर को खींचना है, पॉटी वाली जगह को अंदर को खींचना है, होल्ड करके रखना है जितनी देर रख सकते हो, फिर छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को खाने के पहले और बाद में नहीं करना चाहिए 1-1 घंटा, बाकी दिन में आप जितना करोगे उतना अच्छा। और अब इसमें ये बात आती है कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हमें पैरों के बाहर बैठ के कोई वजन उठाते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो उससे कोई भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर